एंड वेलकम सिर है और आज एक दफा फिर आपके सामने वक्त जारी है कराची किंग्स जो कि इस वक्त एक जीत की तलाश में है और बड़ी मायूस कार मायूस कन बड़ी उम्मीदें कराची की टीम से थी लेकिन आज नस्बता बेहतर खेल उन्होंने पेश किया बल्कि गुज्तर मैच में भी परफॉर्मेंस तो कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी लेकिन मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सके इस वक्त जो मुकाबला जारी है वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स कराची किंग्स ने आज पहले जब बैटिंग की एक सौ चौहत्तर रन बनाए छो के नुकसान पर बीस ओवर्स में मुल्तान सुल्तान का का हदकुब जो है वो जारी है बड़ा अच्छा आगाज उनके ओपनर्स ने दिया शान मसूद एक दफा फिर बेहतरीन फॉर्म में नजर आया और उनका साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने जो कि कैप्टन है कुछ देर पहले आउट हुए हैं और मैच इस वक्त जारी है मैच के हवाले से गुफ्तु होती रहेगी आखिरी मराहल के अंदर मैच दाखिल हो चुका है बात होगी जनाब अपने मेहमानों से लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज आप तक पहुंचा दूं लकासा वन मॉल एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोजेक्ट इस हवाले से कि प्रोजेक्ट खुद काम करने वालों को बिज़नेस प्लान दे रहा है और बिजनेस प्लान देने का मकसद ये है कि जो उसका रेंट है वो गारंटीड हो जाता है एक बड़ी प्राइम लोकेशन है शहर कराची में लकी वन मॉल के बिल्कुल साथ में इसका ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है जाकर देखिए इसको विजिट कीजिए हुसैन मार्केटिंग आ, इसको प्रमोट कर रहा है बहुत बड़ा रियल एस्टेट के शुबे में नाम है जनाब ये तो मैसेज था हमारे स्पॉन्सर्स का लाकासा वन मॉल का और बात होगी अब मैच के हवाले से स्टूडियोज़ में मेरे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं हमारा एक्सपर्ट पैनल रोजाना की तरह उनसे आज गुफगू होगी आज के होने वाले मैच के हवाले से और कराची किंग का जो ये सफ़र है ये तकरीबन तमाम होने को है और क्या वो जो जीत जिसकी तलाश जारी है वो आज मिल सकेगी नहीं कुछ देर बाद इसका भी फैसला हो जाएगा सबसे पहले मौजिज़ मेहमान जमील अहमद खान साहब हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर मौजूद है वेलकम करूँगा थैंक यू सो वरी मच जमीन भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए उनके हम तरीफ रखते हैं जनाब मजर अहमान साहब उनको भी मैं वेलकम करूँगा बहुत शुक्रिया मजहर अमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जमीन भाई बड़ी देर से एक विक्ट्री की तलाश है लेकिन वो कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते अब मेरे ख्याल में अगर जीत भी जाए तो कोई खास उसका फ़ायदा होने वाला है नहीं क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे कराची किंग्स ने आज आ, आपको कुछ समझ में आया क्योंकि हम स्टार्ट के हवाले से बात कर रहे थे आज भी जो आगाज था नस्बता स्लो था शर्जील और बाबर बैटिंग करने के लिए आए बाबर जल्दी अपनी विकेट गवा बैठे शर्जील उसी तरह लग रहा है अभी भी, भी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं क्या कहेंगे इस बारे में जी देखें जी बात यह है कि आज बल्कि मैं तो कहूँगा इससे पहला जो मैच है कराची किंग वो भी बहुत अच्छा, अच्छा खेला की थी और बदकिस्मती से वो जो है मतलब एक रन से वो मैच हार गए लेकिन उसी चीज को अगर आज देखा जाए तो उन्होंने आ, थोड़ा सा शुरू के अंदर विकेट थोड़ा सा मुश्किल था गेंद थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था लेकिन फिर भी जो है ना मतलब उन्होंने जिस अंदाज में आगाज किया तो उनके जो, मतलब जो कराची किंग के जो ओपनर थे बाबर आजम आज भी वो कोई रन नहीं कर सके शुरू में छह रन पे मेरे ख्याल में आउट उनकी विकेट गिर गई थी जी दो रन बना सके जी। दो रन शायद बना सके ना तो वो दो रन बना सके छत्तीस रन जो है वो उन्होंने किए 34 गेंदों पर शर्जील ने शर्जील ने अच्छा जो रूट जो है न, जो क्लार्क जो क्लार्क क्लार. की तारीफ करना होगी कि उन्होंने 29 गेंदों पे किए 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 उन्होंने बिल्कुल रन रन और अच्छे मतलब बहुत अच्छे ए, जो प्रेशर था ना वो थोड़ा और मतलब थोड़ा सा अच्छा फिर एक आपको याद होगा मैं कहता रहा हूँ कि रोहिल नजीर को आप जो ना मतलब मौका दें और वो रोहिल नजीर को उन्होंने बहुत लेट खिलाया लेकिन आज उसने छोटी सी इनिंग के लिए बारह गेंदों पर इक्कीस रन की लेकिन अच्छी इनिंग थी उसकी और उससे जो है ना फिर पंद्रह गेंदों पर नबी ने जो है ना लेकिन पंद्रह गेंदों पे इक्कीस रन नबी ने भी किए लेकिन सोलह गेंदों में बत्तीस रन दो जबरदस्त मतलब बैटिंग है। की है। उसी की टोटल एक सौ चौहत्तर तक पहुंचा है, है सही अब रन जो है मतलब लग ये रहा था कि जैसे मुल्तान सुल्तान की जो हम देखते चले आए हैं जिसने दो दो सौ रन भी चेस कर लिए आराम से सारी चीजें लेकिन आज जिस अंदाज में कराची ने बॉलिंग शुरू की है गो के पहली विकेट इनके सौ रन पे गिरी है मुल्तान सुल्तान की सौ रन की पार्टनरशिप हुई है और मतलब छिहत्तर रिजवान ने भी खेली है अड़तालीस रन की इनिंग जो है कहते कहते हैं हैं आज फिर मतलब ये के हैं शान मसूद ने खेली लेकिन अभी अब जो मैच है वो एक दिलचस्प मरहले में तो ले आए थे ये कि मतलब ये के तीन ओवर में सैंतीस रन थे अब उसके बाद अब जो मैच चल रहा है लेकिन हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये मैच क्योंकि अभी खुशदिल शाह वो प्लेयर है जिसने इनको बीस रन बना के ना मैच जितवाया मैच जितवा चुका है आपको बताइए आपको याद होगा लाहौर से मैच था और जो है उसने तो जो हारित जो क्या कहते हैं हमारे जो शाइन नहीं शाइन थी। नहीं वो जो फास्ट बॉलर हैं जो लाहौर कलंदर के रऊफ रऊफ हारिस रऊफ हारिस रऊफ को उन्होंने बीस रन बना के और जो है वो मैच को जो है ना फिनिश किया था तो इसलिए वही बैटिंग करने आए हैं तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्योंकि आखिर के बीस ओवर सोलह रन भी मान सकते हैं अट्ठारह भी मान सकते हैं तो ये तो खेल है ऐसा बहरहाल अल्लाह मालिक है के जो मैच चल रहा है उसको देखते हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मैच जो है ना वो क्लोज हो रहा है और आके उसने तो जो ना वो दिखाया फिर दोनों ही प्लेयर ऐसे है आपको याद होगा की ये जो रायलू रोसो है ये ये इसी पी एस एल में सैतीस गेंदों में सेंचुरी कर चुके हैं प्लेयर तो दोनों ही ऐसे है तो कोई भी मतलब मतलब एक और इन्होंने एक नया लड़का आज खिलाया है आमिर अजमत जी, जो जी, के जि, जिसको मकसूद की जगह खिलाया है जी, जी, इनका खैबर पख्तुन ताल्लुक है और ये अच्छे ये भी हार्ड इनको आज मौका दिया है इन्होंने अपने जो ना दो मतलब वो किए मतलब किए इसको खिलाया अनवर अनवर अली को आज ड्रॉप किया जगह पे जो है ना रोमान रईस को खिलाया है बाकी वही टीम है कराची ने जो है वो एक चेंज जो है ना सिर्फ किया है और बाकी टीम जो है ना वही रखी है कि इन्होंने जो है रोहेल नजीरो खिलाया है और ज्यादा फरहान को ड्रॉप किया है तो वह लिए अब मैच बहुत दिलचस्प मरहले के अंदर है तो देखते हैं कि मतलब ये मैच अब किस तरफ जाता है लेकिन उम्मीद अब यही है कि शायद कोयटा जो है ना वो सॉरी मुल्तान सुल्तान जो है वो वो जो है ना वो अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए और आज चौदह पॉइंट कर लेगी हुँ, हुँ. अच्छा जी तो अब जॉर्डन जो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं वो रन कंसीव कर रहे हैं और अभी ये जो डेथ ओवर्स कहलाते हैं इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रन जो है वो पड़ चुके हैं बाउंड्री भी दो कंसीव कर ली है तो ये बड़ा अब इम्पोर्टेंट है एक रन तीन विकेटों के नुकसान पर जो है वो आ, हो चुका है और जना मैच इस वक्त जारी है मैच के हवाले से मज़दीद जो है वो गुफ्तु करेंगे जी मजर अमान साहब बोलिंग के हवाले से क्या कहेंगे कि मुल्तान सुल्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की स्टार्ट में बाबर आजम को जल्दी आउट किया और खुलकर खेलने का मौका दिया नहीं आफरीदी को आज उन्होंने इन किया अच्छी उसने लेफ्ट आर्म बॉलर है स्लो उसने अच्छा स्टार्ट लिया तो बड़ी आसिफरी जी आसिफ आफरीदी यस तो अच्छी बोलिंग उसने की है क्या कहेंगे बोलिंग के हवाले से जी देखें कराची ने जो अभी जो जो चेंजिंग कर रहा है वो जो टीम अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये इसको पहले या पहले मैच के बाद दूसरे मैच से बना बना लेनी चाहिए बना लेनी चाहिए चाहिए थी बहुत अच्छी बात कही तो हाँ। तो ये आज जो है ना इस पोजीशन पे ये लोग नहीं होते आज ये किसी ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पर ये जो है चार बेहतरीन टीमों के बीच में कहीं ना कहीं खड़े होते मगर इन, इन इनकी जो थिंक टैंक है या जो भी बैठे हुए हैं उन लोगों को सोच उनको समझ बहुत देर से आई कि कम से कम इनको नए लड़के खिलाने चाहिए नया खून है नया नया उनमें जज्बा होगा यकीनी तौर पर आज इन्होंने रॉयल नजीर को डाला है उस ये आपके पास अंडर नाइनटीन से खेलता हुआ रहा है एक टाइम पे जो है पाकिस्तान की लाइन में भी लगाने के बाद उसका नंबर था तो अभी जो ना आपने के साथ हुआ बिठा दिया अच्छा मसला सर यहाँ पर ये ना अगर आपने किसी लड़के को लिया है अच्छा प्लेयर है अच्छा बैट्समैन है उसको आप यूज़ करें क्योंकि पी एस एल के जरिए से ही उसने पाकिस्तान खेल रहा था मुल्तान सुल्तान ने उसको जो लास्ट सीजन था उसमें बड़ा अच्छा इसका, इसका इस्तेमाल किया था ये रोहल नजीर का वहीं से वो परफॉर्म करके जो ऊपर आया था ऊपर खेल रहा था जी जो तो भारत जो है जो कराची की पोजीशन इस वक्त जो यही है कि जीत के, के करीब पहुंच रही है मगर वो जीत उसके हाथ में आ नहीं, आ नहीं रही अभी भी आप देख लें कि एक टाइम पे जैसे वो उसको चार ओवर में साठ एक रन चाहिए थे मगर इस वक्त जो पोजीशन ये है कि वो बिल्कुल जीत के दूर चले गए आखिरी है मसला यहाँ पर यही आ रहा है कि यहाँ पर दे देखें कि अगर कराची ने वन सेवन किए हैं और पिछले मैच में किए हैं उसकी उसकी ये जो बड़ा टारगेट लिया है उन्होंने उसकी वजह यह कि उन कुछ जो बैट्समैन जो थे जिन्होंने ज्यादा बॉलिंग खेल के रन कम बनाते थे वो जो है वो जो जल्दी आउट हो गए और डाउन ऑर्डर से, से जो भी लड़के हैं जैसे माध्यव रॉयल नज़ीर है बाकी जो लड़कों ने उन्होंने जो है अपने कम बॉलों पे ज़्यादा तकरीबन जो है वन सेवनटी वन टू हंड्रेड के स्ट्राइक्स उन्होंने रन किए तो ये जो तो है वन सेवनटी सिक्स चले गए तो ये ये स्ट्रेटजी जो थी ये बहुत पहले इनको कर लेनी चाहिए थी और ताकि जो है ये इस वक्त कम से कम इस इस पोजीशन पे होते हैं कि ये जो लास्ट की जो दो टीमें जो पेशावर जलमी और कोयटा ग्लेडिएटर है इनके कहीं बीच में होती तो तो यकी तौर पर चांस होता है कि ये आगे 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 बढ़ सकते थे बिल्कुल ठीक है बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लें इमान वसीम ने चार ओवर किए तीस रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं कर सके मीर हमजा ने चार ओवर किए चौबीस रन दिए और दो विकटे उन्होंने हासिल की उम्म आसिफ तीन ओवर इकतीस रन कोई विकेट अभी तक हासिल नहीं की क्रिस जॉर्डन चार ओवर पचास रन उन्होंने दिए एक विकेट हासिल की मोहम्मद नबी चार ओवर अट्ठाईस रन और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके विकटे तो आज बड़ी कंजूसी से लूज किए हैं मुल्तान सुल्तान ने लेकिन ये अभी जारी है और अगर ये मैच निकाल गए तो फिर अगेन और जो कि लगता यही है क्योंकि आठ रन चाहिए और मैं समझता हूँ की छह गेंदों पे आठ रन है जिसका जिसका है। तो जो है ना अब देखते हैं कि वो वहरल अब अब पांच गेंदों पर सात रन चाहिए तो वायरल ये मैच तो खैर वायरल दिलचस्प है लेकिन कोई भी एक भी हिट अगर लग जाती है तो मैं जो है वो खत्म हो सकता हूँ आखिरी ओवर कर रहा है अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगेन क्योंकि इस सिचुएशन जो क्रंच सिचुएशन के अंदर ही बॉलर का टेस्ट होता है टी के अंदर मार्जिन कम होता और तो और है और आखिरी ओवर्स के अंदर खासतौर पर अगर दस या बारह रन भी हैं तो उसको बचाना ने जो ना इस टूर्नामेंट में जो ना देखें वो कार्य हाँ। हाँ। मुकम्मल हो जाता हाँ। है तो जरा उसी को डिस्कस मतलब इतना डिपेंड कर रहे थे क्रिस जॉर्डन पे पचास रन दिए उसने ना चार ओवर के बिल्कुल ऐसा ही है तो अब ऐसे टोटल को आप डिपेंड कर रहे हो पचास रन अगर जो है ना वो ओवरसीज प्लेयर दे रहा है

दो मैचों में खेली कराची ने जी। तो इस तरह की क्रिकेट अगर खेल, खेले कराची तो कोई भी मतलब ये के वो की वजह तो आखिर के दो मैच जो मतलब है ना हार जीत जो भी हो लेकिन दो मैच खेले बहुत अच्छे हैं मतलब लग रहा है की हाँ ये कराची जो है ना बहुत देर से जाकर अंदर जो है ना है तो बहरहाल हार जीत होती है लेकिन मैं कहता हूँ ये नौजवान जो लड़के हैं ना रोहिल नजीर हो गया कासिम हो, हो गया जैसे ये मीर हमजा हो गया इन लोगों को कम से कम ये जो आने वाले दो मैचेज है उसके अंदर मतलब अच्छी कारकरी दिखा बेकर के बेकर। और एक अगर अच्छे नोट पे जाके ये फिनिश करते हैं इस टूर्नामेंट को ना और अगले उसके लिए जरा सा प्लानिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ की बहुत

अगर एक आउट होगा तो दूसरा, दूसरा तक तक ंग तो तो मतलब के नहीं नहीं है नहीं और से जो, जो शायक ने क्रिकेट जो कराची को फॉलो कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको मायूस नहीं होना चाहिए आखिर के दो मैच जिस तरह कराची खेला है तो अच्छी क्रिकेट खेली और यही है सब चाहते हैं ठीक है ये जो ये जो यासिर भाई जो ये जो

लेकिन तो इस तरह खेल के, के, के आखिरी ओवर में जाके अगर एक या दो गेंद पहले हो रहा है, है। तो मैं समझता हूं के अच्छी क्रिकेट के ठीक है जी अच्छा जी अच्छा एक ब्रेक छोटी सी लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेंगे क्योंकि मैच मुकम्मल हो चुका है मुल्तान सुल्तान ने ये भी मैच जीत लिया और कराची की टीम ये मैच भी जीतने में नाकाम रही है इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगु होगी और कुछ आपके सवाल आते हैं प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम

एक दफा फिर आपको खुश आम आएंगे मैच का नतीजा आ चुका है कराची किंग जो है वो शिकस्तों का जो सिलसिला है उसको मजीद उन्होंने दबाम बख्शा है और मजीद जो है वो अब दो मैचे गलेबा रह गए हैं और इसमें भी कोई खास उम्मीद बाकी नहीं है लेकिन ये जो अभी जो बैक टू बैक शिकस्तें हुई हैं इसमें क्रिकेट जो है नस्बता बेहतर खेली है कराची किंग्स की टीम ने लेकिन मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सके बहरहाल जी मैच के हवाले से बात होगी परफॉरमेंसेस के हवाले से भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज आप तक पहुंचा दूं ज़मीन डॉट कम पैगाम देते हैं जनाब के ज़मीन डॉट कॉम के जरिए ख़रीदो फरोख्त जायदाद की बहुत आसान हो गई है एक ऐसा पोर्टल बन चुका है ज़मीन डॉट कॉम जिसके ऊपर जायदाद के हवाले से कोई इन्फॉमेशन अगर आपको चाहिए तो सब इसके ऊपर दस्तियाब है और ज़मीन डॉट कॉम के ऊपर जो लोग जाकर व्यू करते हैं विज़िट करते हैं जिसको हम कहते हैं वेबसाइट को तकरीबन पचपन लाख से ज़्यादा माना जो है इसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं तो ये एक बड़ी उनकी अचीवमेंट है ये पैगाम दिया है ज़मीन डॉट कॉम ने कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख आप बहुत आसान हो जाइए जी जनाब तो आप बात होगी मजीद कुछ खबरों के हवाले से गुजतर रोज भी कुछ मैच हुआ और कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के हवाले से बात करना ज़रूरी है जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग पर है खासतौर तौर पर जो गुज्तर रोज कोटा ग्लाडिएटर वर्सेज पेशावर जलमी का मैच था कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट उसके अंदर थे और कुछ ऐसे भी मोमेंट थे जिसके ऊपर बड़ा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बात की है जो गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बात हो रही है सुहल तनवीर साहब एक वेटरन क्रिकेटर हैं और बैन कटिंग जब बैटिंग कर रहे थे जिसकी वजह से हम कल भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो कोयटा को शिकस्त हुई है पच्चीस रन की वो आखिरी ओवर में जो सत्ताईस रन उन्होंने कंज्यूम किए वो वजह बनी है कि जिसकी वजह से मैच उनके हाथ से निकला और मैच के दौरान जो कुछ होता रहा वो विजुअल भी चल रही नाजेबा जो इशारे एक दूसरे को कर रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल था इससे पहले क्रिकेट की फील्ड में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं आपस में जो वर्बल एक्सचेंज है वो होता रहता है एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं स्लेजिंग होती है सब कुछ होता है लेकिन ये हाथों के जरिए इशारे करने का सिलसिला जो ये पहली दफ़ा देखने का इतफाक़ हुआ है जी जी प्लीज प्लीज़ ये कल जो ये जो इंसिडेंट हुआ है मैच के दौरान जो है ना ये समझ दोनों के पंद्रहरा जो इनकी जो मैच फीस है पर, परसेंट जो जुर्माना हुआ है इनके ऊपर दोनों के ऊपर हुआ है। हुआ है है कटिंग पे भी और सोहेल तनवीर पे भी हुआ है ये जो इनका जो ये झगड़ा है ना ये इस मैच का झगड़ा नहीं है ये कैरिबियन प्रीमियर लीग जो है ना वहां से शुरू हुआ था तो ये सिलसिला जो है ना ये वहां का है तो ये जिस तरह का ये देखें बात ये है कि इस तरह की चीजें जो ना होनी नहीं चाहिए देखिए देक। ये जब ये खेल का हिस्सा है ना छक्का भी लगेगा चौका भी लगेगा, आउट भी करोगे ठीक है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ है तो ये इससे पहले अमाद वसीम के ऊपर हुआ जुर्माना उससे पहले जो है क्या कहते हैं जैसन रॉय के ऊपर भी लगा पांच परसेंट वो जो आउट होकर जाके जो इशारे करते हुए गए थे वो जी, जी, जो शाहिन शाह गेंद पर जब वो आउट हुए तो ये इस तरह की चीजें जो है ना वो होनी नहीं चाहिए हालांकि बहुत मामूली नौियत की है इससे पहले हमने कम देखा लेकिन कल जो ये जो हुआ है सोहेल तनवीर और ये ये जो चीजें है ना ये हमारी कम से कम जो हमारी जो इतनी साफ सुथरी लीग है और जो इस वक्त वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पर टॉप लीग हो रही होती है इसके अंदर इस तरह का इंसिडेंट जो है ना होने वो मुनासिब नहीं है अगर इस इंसिडेंट की वजह से कोई प्लेयर अगर मैच खेलने से रह जाए अगर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए तो इसके ऊपर नुकसान होता है आपने बिल्कुल ठीक है और ये गैर जरूरी चीजें इनसे बचने की जरूरत है और अच्छे एनवायरनमेंट में पहले ही कहा जाता था तब तो खैर नहीं रही है बात कि क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैनस गेम अब वो बात नहीं है क्योंकि जब जिस तरह के लोग आ गए हैं माफ कीजिए मुझे ये बात ना चाहते हुए कहनी पड़ रही है लेकिन ये आपको सिखाती है कि आप क्रिकेट के आप फील्ड में जाके लोगों से किस तरह मिलते हैं और हमारे पास जेंटलमैन रहे हैं मेरे पास तो एक एग्जांपल माजिद खान की मौजूद है मैं हमेशा उनको फॉलो करता आया हूँ और इस जैसा जेंटलमैन था मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा क्रिकेट के अंदर तो ऐसे बहुत सारे और यकीन लोग होंगे आपने माजिद खान का जिक्र किया ना तो माजिद खान के मुताल ये मशहूर था कि अगर माजिद खान किसी उस पर अपील करता था तो एम्पायर जो उसको बहुत अहमियत देते थे और अक्सर उसकी अपील पर आउट भी, आउट भी देते थे वरना वो अपील ही नहीं करता था ऐस मतलब ऐसा ऐसा मतलब वो वो जो और और कभी कभी भी ऐसा नहीं देखा हमने अगर मा, माजिद खान आउट हुए हुए हैं हैं विकेट खड़े को आउट देने की जरूरत नहीं पड़ी उनको और वो चल दिए बल्ला दबाया और चलते ये जो आपने बात की है ना बिल्कुल सही की है बिल्कुल तो ये रोल मॉडल हुआ करते थे अब प्लेयर्स के लिए अब वो एग्जाम्पल नहीं है अनफोर्चुनेटली अगर ये एग्जाम्पल होंगी तो फिर बात नहीं बनेगी अच्छा फिर दूसरा वो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वो हुआ बच्चा उस्मान कादिर आउट करने के बाद पर्चा निकाल के वो जो सियासी जमाते तो ये वाइट पेपर एक दूसरे के खिलाफ दिखाती थी वो बच्चा वाइट पेपर जो है वो दिखाने लगा और वो उमर अकमल वो रिश्ते में भी उनके लगते हैं तो जनाब वो आउट करने के बाद जब वो सफ़ेद पर्चा दिखाया तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी बात हुई जब उनसे पूछा गया कि भाई ये पर्चे में क्या लिख लाए थे तो उन्होंने न जाने उसके बारे में क्या बताया कि ऊपर वाले के पास सबका प्लान है क्या उन्होंने पर्चे पे लिखा उन्होंने कहा जिस तरह वो आसिफ बच्चा जो है वो कमीज उठा के बनियान अंदर से निकाल लेता है उन्होंने कहा मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ तो हल्का फुल्का चलता रहता है लेकिन ये भी बड़ा कमाल है जी मजा साहब घरों के झगड़े बहुत ग्रब जी तो बादल जो है ना ये जो जिस तरीके की क्रिकेट जो है ना होनी चाहिए पाकिस्तान में जैसे पी एस एल में हमने दस मैच जो है दूसरे लोगों को देना है दूसरे मुल्कों को देना है कि भाई हम लोग जो है ना अच्छे लोग हैं और हमारे हमारी सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती तो बादल हमने तो क्रिकेट अच्छी खेलनी है इन खेलते रहेंगे इन लोगों को पैगाम भी देना हम तो इस वक्त यही डिस्कस करेंगे कि जो है जिस तरीके से जो कराची खेली है दो, दो मैच मैं पिछले तो सारे मैचों को तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा जो है वो तो ऐसे हम कर चुके ऐसा वो काफी हो चुके हैं मगर इसके ऊपर हम डिस्कस जो है कर सकते हैं क्योंकि इसमें इन लोगों ने क्रिकेट अच्छी खेली है जो टॉप ऑर्डर वहां पर टॉप ऑर्डर ने रन किए हैं तो उन्होंने इतने रंस ही नहीं किए कि वहां करीब करीब तक क्रीण तक भी पहुंच सके ठीक है मगर डाउन ऑर्डर ने जब डाउन ऑर्डर की जब बैटिंग आई है तो उन लोगों ने डाउन ऑर्डर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है जिसमें उन्होंने रन किए हैं और आपके जितना रन अच्छे हुए हैं आपने चेस के भी करीब किए ये कल भी गलती की वजह से जो है वो कल जो है वो मैच आ रहे हैं और आज भी आप देख रहे हैं इसमें देखें वो ये ओवरसीज बॉलर जो है ज्यादा रन इसने कंसीव किए हैं जी जी इसकी वजह से जो है क्रिस जॉर्डन क्रिस जॉर्डन की क्रिस जॉर्डन हाँ इसकी so, वजह से मैच जो है वहाँ से निकला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मगर यहाँ पर ये देखें कि आप मुल्तान सुल्तान का आप देख हैं कि किस उनका जो थिंकिंग है जिस तरीके का उनको, उनको उनको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है कि शान मसूद और रिजवान तो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं बेल्कुल उसके बाद आप देखेंगे उनका डाउन ऑर्डर पे भी खुशदिल अच्छा तो खुश खुद दिल जैसे जैसे बैटिंग कर रहा है मैं समझता हैं कितने कॉन्फिडेंस उसको ये अभी जरा यंगस्टर्स के हवाले से बात करते हैं ना मंजर साहब क्योंकि ये डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी आजकल के जो यंगस्टर है खासतौर पर इसमें खुश दिल की तारीफ करनी होगी इसके ऊपर बात करते हैं पहले आज का जो विनिंग मोमेंट है वो आपको दिखाते हैं विनिंग मोमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया है कैडबरी डेरी मिल्क ने उनके ताउन से विनिंग मोमेंट है आपको दिखाएंगे Another going into the playoffs. Oh, picked up. Picked up. Leg side. Would you believe it? What a shot. You can stand there for as long as you like, Riley so... What a shot. Man of the moment, Crystal Shower as well. Well, it's an unbelievable run, Chase. Yeah, you can say they left it a little bit late, but what a team they are, and what a performance they've just put in there. Rizwan played his part and set it up for the team, and Baba.

तो 105 रन इनके बने थे 15 ओवर के अंदर एक विकेट गिरी थी तो 105 इस, इसका मतलब है कि 70 रन चाहिए इनको 5 ओवर में बिल्कुल ठीक है लेकिन आप ये देखेंगे ये 70 रन इन्होंने तीन गेंद पहले जो है मतलब चेस, चेस कर लिए तो इससे आप अंदाजा कर लें कि पांच 14 रन का एवरेज चाहिए और 14 रन का एवरेज इसका मतलब ये कि जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है इनकी वो कितनी मजबूत है कि कितनी आसानी के साथ उन्होंने वो सत्तर रन जो है ना वो चेस कर लिए कप्तान ने जो इनिंग खेली छिहत्तर रन की अपनी जगह पर अड़तालीस रन की इनिंग जो खेली शान मसूद ने वो अपनी जगह पर लेकिन जो छोटी छोटी इनिंग आके मतलब मैं कहता हूँ खुशदिल शाह जो है उनकी तारीफ करना पड़ेगी कि वो ना तो दरवाजे खट को खटखटा रहे बल्कि वो झंझोड़ रहे टी ट्वेंटी क्रिकेट के, के अंदर जो है ना प्रूफ किया है उन्होंने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज ठीक है ना पी एस एल जब एक चीज की बुनियाद बनता है तो देखे हमने हैदर अली को भी मौके दे के देख लिया आपने देखा कि पिशावर जलमी ने उनको खिलाया और खिलाने के बाद क्या हुआ कि उनको बिठाना पड़ा और फिर उसके बाद हुसैन तरत को खिलाया उन्होंने पचास रन की इनिंग आउट भी किया तो आउट भी किया उसने तो और अहम विकेट सर के लिए की विकेट लिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब इस तरह के आपके पास मौजूद हमें सिर्फ स्पेनिंग जाना चाहिए कि बहुत टैलेंटेड है जी, टैलेंट अपनी जगह पर है अपनी जगह पर जब डिलीवर करना पड़े जब आप डिलीवर नहीं करेंगे अंदर आके ना तो वो टैलेंट बेकार है बेकार है देखिए अब ये जो है ना देखिए इसने जो ना ऑल राउंड वो दिखाई है कर कर देगी अगर आप देखते हैं खुज शाह को बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह इंतहा कीमती जो ना प्लेयर बन के ये उभरे हैं और मैं समझता हूँ की जो अक्टूबर के अंदर जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके अंदर मैं समझता हूँ की शान मसूद और ये जो है एक मजबूत जो है मुझे उम्मीदवार जो ना उम्मीदवार नजर आके बाद जो है ना कोई ऐसी वो है नहीं तो एक टी ट्वेंटी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उसमें देख लेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि नंबर पे पे जहां पर हम आसिफ को मतलब बहुत ज्यादा वो करते हैं तो मैं समझता हूँ इनकी कारकर्दगी बुरी नहीं है तो अगर हम पंद्रह सोलह रुपये हो उसमें अगर हम इनको रख लें तो मैं समझता हूं कि तो जो अब जो अभी हमने जो जो यंगस्टर देखे ना अभी आपने यंगस्टर की बात की एक हमने मोहम्मद हारिस देखा जी, बहुत अच्छा लेकिन क्योंकि इस इस पूरे पीएसएल के अंदर आपको कोई ज्यादातर बॉलर आपको नजर आया ना मोहम्मद उमर आपको नजर आए फिर अब्बास आपको जी। न, नजर आए बहुत अच्छा उसने जो बाबर को उसने टूर्नामेंट के सबसे अच्छी गेंद में उसको कह रहा हूँ जो टूर्नामेंट मैंने देखा है इसके अंदर जैसे मतलब हाँ तो ये मतलब एक होता है कि आउट करना तो उसने अच्छा। आउट किया है।, हाँ। है, कि है कि <coughs> तो आपसे <coughs> ने। ने। अच्छा आप आगे आगे आप जरूर बात करूंगा ये जो बच्चा है ये बहुत प्रॉमिसिंग है आप याद रखें मीर हमजा जो लेड स्विंग आर्ट है इसको थोड़ा सा और पॉलिश होने की जरूरत है अगर इसके ऊपर वर्क किया जाए ये इतना हैंडी क्रिकेटर है इसका इतना स्मूथ एक्शन है कि जो लंबी क्रिकेट खेल सकता है प्लस ये कि आप इससे बड़े स्पेल भी करा सकते हो क्योंकि अभी तो चार ओवर की बात है ना लेकिन बड़े स्पेल करने की उसके पास एबिलिटी है बीच में भी अगर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो बीच में कोई ना कोई विकेट आपको जरूर निकाल के देगा पर भी आया ना उसने देखा ना वो शुरू में दो ओवर किए बहुत अच्छी किए फिर बाद में आके और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट उसका जो डेंजर जो बैट्समैन था टीम डेविड था उसने आया उसको उस ओवर में रन नहीं बनाने दिए और उसको वो विकेट भी लेके ठीक है अच्छा जी मजर साहब अब बात यह है कि जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता जमी भाई ने कुछ देर पहले उठाया अब वक्त क्योंकि बिल्कुल खत्म हो गया अब इसके ऊपर तो बहस एक नए सिरे से होनी चाहिए कि इस सीजन में ओवरसीज कम नजर आए लोकल प्लेयर्स प्लस ये उसमें कुछ कुछ यंगस्टर्स ने ज्यादा पार्ट प्ले किया अब इसमें जो वेटरन थे सीजनल प्लेयर थे उनकी भी परफॉर्मेंस को इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही यंगस्टर्स ने खास तौर पे अपना पार्ट प्ले किया क्या कहेंगे आखिरी जुमला पी पीएसएल या टी ट्वेंटी जो है नौजवान लड़कों की ही क्रिकेट है ना चालीस साल हमारे जैसे लोगों की नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल तो नहीं है। हमें दूसरे जितने भी हमारे हैं नेक्स्ट ठीक है जी इस इस साल जो कुछ हुआ हुआ मगर अब इनको सोचना सोचना चाहिए कि अगले पीएसएल में नौजवान लड़कों को मौका दें क्योंकि वही पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करना है नीस जो है ना जो चालीस साल के लड़के ज्वाइन करना है तो जो लड़के नौजवान रॉयल नजीर हो गया और इसके अलावा

क्योंकि वही शायद एक ऐसा था प्लेयर जो उनके लिए कुछ कर भी रहा था सम लेकिन अब ये कि ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था लेकिन अब टू लेट ऑलरेडी फॉर कराची किंग्स अब तो पानी सर से ऊपर हो गया जमी भाई थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका मजर साहब आपका बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया हमारे साथ शामिल गुफगुरा है जनाब यहाँ पर अब इजाज़त होने का वक्त है और जनाब बात हुई आज के मैच के हवाले से कल इंटरेस्टिंग मैचेज हैं उसके हवाले से इन कल ज़रूर प्रोग्राम में बात होगी इस्लाबाद यूनाइटेड जो है वो स्ट्रगल कर रही है पेयर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पिशावर सलमी लेकिन इस्लाम नहीं खेल, नहीं खेल रहा है दोनों नहीं, नहीं खेल रहे तो अब देखना ये पॉल स्टर्लिंग नहीं है और मनरूह की वो फिट होते ही नहीं होते और शादाब भी चले गए। चले गए। तो ये जो इनके पावर बैटिंग पावर हाउस हो गया वो आपको देखना है ये भी देखना होगा चले कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर खदमत होंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहम्मद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत learning learning about. It.